धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान समूह प्यारी साध संगत जी, आओ सारे सब तो पहला दसवीं सरकार साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों बख्शी हुई फतेह बुला के अपनिया अपनिया हाजरियां लवाइए ते बुलाइए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अज असी सारे सत श्री अकाल पुरख जी दे नाम दा दिहाड़ा सत सुमेल दे नाम तहत मना रहे हैं ते सब तो पहला आप सब संगतां नूं इस दिहाड़े दी लख लख वधाई होवे, क्योंकि इको ही एक यह अजिहा दिहाड़ा है जिहड़ा कि सिर्फ सत श्री अकाल पुरख जी के नाम ते मनाया जाता है। ते साध संगत जी वो इदां दी हस्ती है, ना ही उहदे कोई पिछे है ते ना ही उहदे कोई अगे है, मतलब ना ही उहदे पिछे कोई उहनूं बनाउण वाला है ते ना ही उहदे अगे कोई खलोण वाला है, क्योंकि कोई भी उहदे बराबर दा जां उहदे तोल नहीं हैगा। किसी की भी इन्नी हैसियत नहीं हैगी कि वह उहदे अगे आके खड़ा हो सके, वो खुद तो आपे तो बनिया है। ते इत्थे जिन्ने भी दिहाड़े मनाए जाते हैं, चाहे वह वड्डी तो वड्डी हस्ती दा होवे, ज़्यादातर उन्हां दा संबंध आउण ते जाण नाल हुंदा है। पर साध संगत जी, मालक सत श्री अकाल पुरख अजेही हस्ती है इको एक कि जिहदे नाम दे पिछे कदे सी नहीं लगदा। इस मटीरियल दे तल ते, संसारक तल ते असीं कोई भी वेख लीए, हमेशा हर एक दे पिछे सी लगदा, क्योंकि वक्त दे हिसाब नाल वो पास्ट विच तब्दील हो जाता है। पर वो मालक अजेही इको ही एक हस्ती है जिहदे नाम दे पिछे कदे सी नहीं लगता, क्योंकि उन्हां उपर साडे वांग समय का कोई प्रभाव नहीं है। वो इस समय सीमा तो परे है, वो खुद तो आपे तो है। ते साध संगत जी, असी सारे रचना विच हाँ, पर वो रचनहारा है जिन अपाई रंग रवाई बैठा वेखे वख अकेला। कि इस पूरी सृष्टि नूं पालन वाला वो मालक सत श्री अकाल पुरख है। ते फिर कुल कायनात, कुल सृष्टि, भगत, पीर, फकीर, रैबर सब लोग ओदी इबादत करते हैं तो ओदे अगे सजदा करते हैं। तो साध संगत जी, गुरु साहिबाना ने भी उस पूरे पुरख के नाम का होका दिता। तो जदों दसवीं सरकार साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों जफरनामे की रचना की, तो उन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में उस पूरे पुरख की वड्याई लिखी। तो बयान करते हैं, कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्शो राजक रहा कुन रहीम। कि वो पूरा पुरख कमाल दा करामाती है, इस सब नूं बनाउण वाला भी वो ही है। पर फिर भी उहदे बारे कोई ये नहीं जानदा, ये नहीं कह सकता कि उन्हें अपने आप नूं किवें प्रगट कीता। ते ओह कद दा है, कौन कहे तू कद का। वो हर जरे जरे विच समाया होया है, पर कोई ओहदा रंग रूप या चित्र बना के बयान नहीं कर सकता कि वह किदां दा है। साध संगत जी, मनुख इत्थे छोटी जी करामात वेख के प्रभावित हो जाता है, पर उस करामाती पुरख ने पता नहीं कदों कदी ये सृष्टि बनाई है। बगैर किसी सहारे दे एक खुले आकाश विच एडे वड्डे वड्डे तारे टकाए हुए ने, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਾ ਬਾਲਿਆ ਦੀਵਾ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ उस मालिक सत श्री अकाल पुरख तो उस हस्ती तो बगैर होर कोई भी सोच सकता है। कमाल है, कमाल है तू के हाँ बाजा वाले। कमाल है, कमाल है तू के हाँ बाजा धरती विच पाई हुई देग नूं असी सारे जीव जंतु बनस्पति उदों तो ही लगातार वरतदे पए हां जदों तो यह जीवन शुरू होया। ते दसवीं सरकार उस करामाती पूरे पुरख बारे दसदे ने कि ओह ही सदा कायम रहण वाला है, क्योंकि सृष्टि दी बनी हुई हर चीज़ समय दे नाल खत्म हो जाती है। ते जो खत्म हो जाता है उसकी हैसियत भी खत्म हो जाती है। पर ओ मालक सत श्री अकाल पुरख आप भी सदा कायम रहिंदा है ते ओदी बादशाहत भी सदा कायम रहिंदी है। ते साध संगत जी ओ इन्ना वड्डा समर्थ होने के बावजूद एडा वड्डा बादशाह होने के बावजूद ओ अत दा दयालु है, अत दा कृपालु है। जिमें गुरु गुरबाणी सानू दसदी है कि ओह तां कोड़ा बोल तक नहीं जानदा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हम संभल थकी जी ओह कदे ना बोले कोरा। बाबुल साडा वड समरथा ओदे वरगा होर नी होना, प्रेम प्यार दा सुमाड़ियो ना मैं डिठिया दसो सत दी सूरत मत दी मूरत दयावान मन मोना, काड़ा बोल न जानदा मिठे बोल ना सबन मिठे बोलना सबनों पाना। दसवीं सरकार कहते ने कि ओह ते कोड़ा बोल तक नहीं जानदा, ओह ते किसी नू दुख नहीं देंदा, ओह ते आनंद दा दाता है। पर साध संगत जी इत्थे मनुख दा सुभाव है कि यह आनंद अपने तरीके नाल चाहुंदा है। पर दसवीं सरकार कहंदे ने रजा बख्शो राजक रहा कुन रहीम, मतलब जिसनूं ओह आनंद जां सदीवी खुशी दे दिंदा है उस दी ओह रहमत करदा है कि उसनूं रजा बख्श दिंदा है। ते साध संगत जी जिन्हां ने सानूं यह गल कही है ना, सानूं उन्हां दे जीवन तो सेध लेनी चाहिए है कि संसारक तौर ते इन्ना कुछ होण दे बावजूद भी जिहड़ी उन्हां दी मालक दे नाल प्रीत सी उहदे विच कदे कोई फर्क नहीं आया, कदे कोई अलामा नहीं दिता। ते दसवीं सरकार कहंदे ने कि सारियां नू रिजक देण वाला राजक भी ओह ही है जिन्हें यह धरती बनाई, इस उपर रहण वाले सारे जीवां नू पालदा है। कुल कायनात दे जीवां नू पालन वाला रहा कुन रहीम है, रिहा करवाउण वाला है, बंदी छोड़े रहम करन वाला है। ते साध संगत जी जिस ते ओ मालक सत श्री अकाल पुरख किरपा करदा है ना, उन्हों आप दे गुण बख्श दिंदा है, आप दी पहचान दे के, आप दी शनाखत दे के इस भवजल तो बाहर कढ लैंदा है, जीव दी खलासी करा दिंदा है। इन्ना समर्थ पुरख है ओ मालक सत श्री अकाल पुरख।